बैक टू आवर चैनल। और आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। आज का ब्लॉग भाई ऐसे है कि मैंने घर का सारा काम कर लिया है और कपड़े धो के सारे सूख गए हैं। थोड़ी देर में इनका लगाऊंगी, तय जो प्रेस करने के हैं वो प्रेस कर दूंगी। और बच्चे जा चुके हैं स्कूल, घर का सारा काम कर लिया है और अभी मैं हो गई हूँ फ्री। तो भाई अब फिर थोड़ा सा रेस्ट करके जो बाकी के काम है वे कर लूँगी। खाना खुना खा लिया है और बाद में लेके आऊँगी बच्चों को, और तब बच्चों को लेके आऊँगी। तो बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा, काम तो मेरे को पहले ही बाहर जाना था, पर मैंने सोचा जब बच्चों को लेने जाऊँगी तभी वो काम भी कराऊँगी। तो फिर मैं बच्चों के साथ ही वही जाऊँगी एक बारी में मार्केट, और मार्केट से आके भाई जो बच्चे खाए पियेंगे वो बनाऊँगी। और अपना सबसे पहले भाई लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाया करो, ये बार बार कहना पड़ा है जी। और रिक्वेस्ट है आप सबसे कि फुल सपोर्ट करा करो हमारा, और भाई हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आगे बने रही हो वीडियो में और देखियो। चलो भाई ठीक है, अब भाई अपना थोड़ा सा कर लिया हाँ काम, और फिर मिलेंगे आगे। भाई मार्केट में जाना हो गया कैंसल, क्योंकि पहले ये जब मैं यहाँ से गई तो यहाँ बारिश थी नहीं, और रास्ते में पूरी बारिश बारिश, तो पूरे भीग गए। तो मैंने सोचा भाई चलो अब जावांगे और भीग जावांगे बिना बात में बीमार तो के भाई बैग वैग से कुछ भीग जाता। और यहाँ आए तो यहाँ घर पर बारिश होती हुई मिली, बहुत तेज बारिश होगी, और यहाँ फिर भी रुक रहा है। और जहाँ स्कूल के पास हो गए तो स्कूल के पास तो इतनी तेज़ बारिश आ रही थी, बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, पता ही नहीं चला क्योंकि यहाँ पे धूप थी। आगे जाती गई तो भाई बारिश का मौसम बढ़ता चला गया। और चाबी बेटा वहीं रखी है, भीग गए सारे बेटा, यहाँ आए तो यहाँ फिर हल्की फुल्की सी बारिश है ना डुबू, वहाँ पूरी बारिश और यहाँ हल्की फुल्की सी। और गई जब खुली बारिश नहीं थी, पता होता तो भाई छतरी वगैरह कुछ ले जाती, पर स्कूटी पर तो फिर भी हाँ चल कोई ना, स्कूटी पर तो फिर भी वाह छतरी उड़ जाती, कामयाब नहीं होती, और फिर भी कुछ तो बचा होता है ना गाइस। आगे स्कूल से है ना भीग गए हल्के हल्के से, पर मैं ज्यादा भीगी क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं थी, आधी रास्ते में गई तो बारिश आती चली गई, और भाई भीगी चलो कोई बात ना सूख जाएंगे। चलो जी बच्चे आ गए स्कूल से, और बच्चों ने किया है कुछ चटपटा खाने का ऑर्डर। तो भाई मैं कर रही हूँ जो ये चने वाली जो चटपटी दाल होती है, इसमें प्याज टमाटर और खीरा काट के दूंगी उनको, और नींबू निचोड़ दूंगी तो उसे थोड़ा सा खट्टे मीठे खट्टे और चटपटे से हो जाएंगे। तो मैं इनके लिए बना दूँ फटाफट, बोल रहे कि मम्मा भूख लगी है और फटाफट बना दो। उसके लिए मैंने लिया एक टमाटर, एक प्याज, एक खीरा और एक हरी मिर्च। हरी मिर्च कम डालूँगी क्योंकि टुकू ना बहुत कम मिर्च खाता है, और चटपटा भाई कम होगा थोड़ा, बिल्कुल ना होगा तो थोड़ा सा अच्छा तभी ना लगा। तो हल्की सी एक मिर्च डाल दूँगी, ज़्यादा तीखी नहीं है ये, और फटाफट बना दो इनके लिए। कह रहे हैं कि मम्मा भूख लग रही है, मैं सोचा चलो भाई कोई बात ना भी बना दूँ फटाफट, और थोड़ी देर में दे दूँगी दूध, फिर चले जाएंगे ट्यूशन। आज भाई मैं दूध नहीं लेके आऊँगी क्योंकि अभी इस टाइम पे ना गर्मी ज़्यादा है, तो बैस कम दूध दे रही हैं तो दूध पूरा नहीं हो पा रहा है, इस वजह से भाई अभी थैली लेके आऊँगी एक दो दिन, फिर जाऊँगी दो चार दिन के बाद, तब वो फ़ोन कर देंगे कि भाई अब दूध पूरा हो गया तू जाऊँ, और भाई थोड़ा बहुत लेके आ जाऊँ तो फिर उसमें पूरा भी नहीं होता है, और फिर थैली भी लेके आनी पड़ा है तो डबल डबल, और फिर बिना बात के धक्के खाने हो जाए इस चक्कर में भाई अब नहीं जा रही मैं। और अभी बना दी उनके लिए फटाफट सा, और आज भाई अभी मैं इनको बच्चों को स्कूल से लेने के लिए गई तो यहाँ पे तो बिल्कुल बारिश नहीं थी, तेज़ धूप थी, तो मैं सोचा था चलो भाई मार्केट में जाऊँगी कुछ एक आधा सामान लेके आऊँगी, और कुछ काम भी था मेरे को ज़रूरी तो वहाँ नहीं जा पाई मैं, और क्योंकि रास्ते में जाते जाते बारिश यहाँ नहीं है, जैसे थोड़ी सी आगे कम थी फिर उससे आगे बहुत तेज़ थी, और जहाँ स्कूल में गई तो वहाँ काफ़ी तेज़ थी तो मैं भीग गई, और फिर वापस आती गई तो कम मतलब रास्ते में बहुत तेज़ थी, फिर रास्ते में बहुत कम हुई, फिर यहाँ बिल्कुल हल्की फुल्की सी है, जैसे पहले बिल्कुल नहीं थी अब हल्की फुल्की है, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ज़बरदस्त फ़ोन लेके गई थी कि सोचा चलो छोटी सी वीडियो बना के क्लिप निकाल के लाऊंगी, तो निकाल नहीं पाई क्योंकि बारिश थी तो कोई फ़ोन बिक जाता, इस चक्कर में नहीं बना पाई। और फिर अभी आई हूँ, आने के बाद भीगी कोई बात नहीं, हल्की फुल्की भीगी हूँ, कपड़े चेंज नहीं करूँगी क्योंकि अभी पहन के गई थी, और कभी ज़्यादा ठंड भी नहीं है कि बीमार हो जाएंगे, कोई बात नहीं ठंडा ठंडा सा लग रहा है, सूख जाएंगे धीरे धीरे। और अभी बना दी उनके लिए फटाफट, कपड़े चेंज कर दिए इन्होंने, तो
अभी मेरा मन था पकौड़े वकौड़े बनाने का, तो बच्चे बोले कि मम्मा अभी नहीं बनाना पकौड़े, फिर बना देना। मैं बोली चलो ठीक है, अभी कुछ अच्छा बना दो, क्योंकि भाई मैं ये लेके आ रही थी तो इनको दिख रही है नमकीन, तो ये डेली नमकीन बिस्किट जब तक दिखेगी ना तो ना भाई इसमें लगे रहेंगे, तो तब तक ये ख़त्म नहीं होगी, बच्चों का होता ही है, तो इतने इनको यही दिखती रहेगी। बोला फटाफट उठा के लाया मम्मा इस वाले की ना कुछ ऐसा बना दो चटपटा सा, तो मैंने सोचा चल भाई ठीक है ये भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी, क्योंकि मेरा मन कर था अकेले का कुछ ऐसा ये हो जाए कि अकेले आदमी में कुछ बनाने का दिल ना करता। दीदी थी तो दिन में भाई हम कुछ खा पी लिया करते, चाय बना लेते कुछ उसके साथ में, बढ़िया चटपटा सा बना लेते, तो थोड़ा सा फ़र्क था। और अब दीदी जाने के बाद बिल्कुल अकेले से हो गए और बच्चे भी स्कूल चले जाएँ तो कोई ऑप्शन ही ना मिलता, फिर अकेले भाई मैं अपना पूरा दिन क्या करूँ, मैं जो काम अपना काम कर लूँ और बाकी भाई अपना लेट जाऊँ। खाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि साथ हो ना तो थोड़ा फ़र्क रहा है कि भाई मिलकर खा ले, हाँ तो अभी साथ तो है नहीं, तो भाई इसलिए अभी ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, अकेले भाई रह कर वो तो जाओ वहाँ बोर, पर क्या करें दीदी के बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा, पूरा यूँ हो रहा था कहाँ भाई चहल पहल से स्कूल से आते बच्चे बुआ बुआ हैं और भाई पूरी हंसी मजाक करे जाते, रात के 12-12 एक बात जाया करते, बात करते करते नींद यूँ हो जाया करते, हाँ भाई अब सो जाओ तब सोया करते, और अब वो चली गई तो फिर ऐसे ही हो गया। चलो कोई बात नहीं, अभी सामान आने वाला है और भाई चलो देखेंगे तीज पे क्या कुछ शॉपिंग करते हैं, और अभी रक्षाबंधन आ जाएगा तो रक्षाबंधन पाऊँगी दीदी, शायद आ जाएँ भाई इनके पापा भी, पक्का नहीं है कि भाई मैं पहले कहने लग जाऊँ वो ना आ पाए, फिर आप ये बोलो कि भैया बोल रहे थे कि भाई भैया आएंगे, तो वो उनका पक्का नहीं है, पर दीदी जरूर आएंगी और आप सबको मिलवाएंगे। और भैया आप है ना हमारी ब्लॉग में पूरा देखा करो, लाइक शेयर किया करो और सब्सक्राइब करें अपने बिल्कुल मत जाया करो, फुल सपोर्ट करा करो भाई, हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप समझा करो फुल सपोर्ट करा करो। चलो ठीक है कि मैं फटाफट बात भी होगी और बात करते करते होगी भाई इनकी नमकीन चटपटी सी तैयार। हाँ मिर्च भी काट दो और बस, क्योंकि चटपटी तो पहले से ही हो, इनके अंदर मिर्च लाल मिर्च और वही बढ़िया नमक वमक फुल चटपटी हो तो मिर्च काट दी है एक, इससे और ज़्यादा वो हो जाएगी। और इस भी मैं निचोड़ दूँगी नींबू, मुँह में पानी आ गया होगा देख कर। चलो भाई देख लो होगी हमारी तैयार, इसमें नींबू निचोड़ दूँ थोड़ा सा मसाला वसाला निचोड़ कर, अभी इन्हें दे दूँ। आ जाओ जिस जिसने खानी है बारिश के मौसम में चटपटी सी, और इसके साथ बना दूँगी चाय। और दीदी जाने के बाद एक लत और लगी मेरे को कि भाई कभी ऐसा मौसम हो ना तो कभी कभी चाय पीने का मन कर जाए, पहले मैं बिल्कुल नहीं पिया करती, सर्दियों में कभी कभी जुकाम होता था ना तब मैं पी लेती थी, पर अब है ना दीदी के साथ मैंने एक महीना चाय पी ना तो मेरी भी थोड़ी सी ऐसी आदत सी होगी, ये थोड़ा मौसम ऐसा होता है तो कुछ मीठा सा कुछ चाय टाइप से का कॉफ़ी टाइप से का पीने का मन कर गया है, तो इस चक्कर में देखती हूँ कंट्रोल करूँगी, नहीं तो मीठा दूध करके पी लूँगी, चाय ज़्यादा अच्छी नहीं होती है वैसे के लिए, कम से कम पीनी चाहिए अवॉइड करना चाहिए, तो मैं अवॉइड करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, 5-4 दिन में एक बार मौसम ऐसा बना है तो मैं बना लेती हूँ बाकी नहीं। चलो बातें ऐसे चलती रहेंगी और ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा बातों बातों में, तो अभी मैं बच्चों को दे देती हूँ इसमें नींबू निचोड़ के थोड़ा सा मसाला वसाला कुछ डाल के। ठीक है कैसा बना लाडू? अच्छा बन रहा है, टेस्टी बनाना। हेलो बोल गाइज को, ऐसे सीरियस क्यों हो गए बेटा? हैं लाइक शेयर की नहीं बोलेगा क्या? भाई मेरे बेटे के तो दांत टूट रहे हैं, अब तक नहीं आए हैं, चार से टाइट चीज़ें बहुत कम खाई जावे हैं, खाने का मन तो कर रहा है और खाने में थोड़ी दिक्कत सी आओ ना बेटा, दिखाना ही करना, ये चूहा खा गया भाई इसके दांत को, दूध पिया कर ज़्यादा ठीक है ना, तब जल्दी आएंगे। ओके लव यू बेटू, क्या आई लव यू, आई लव यू टू, मेरा बेटा भाई बड़ा अच्छा, देख लो आते कपड़े चेंज के अपने खाने पीने लग गया। दीक्षा भी, अब दीक्षा बताएगी इसका टेस्ट, दीक्षा को स्पेशल बहुत ज़्यादा पसंद है। नीचे मत गिरा कुछ कुछ, ये प्याज निकाल निकाल रहे, इतना छाना मत बन, अच्छा बन रहा है खा ले।
ये क्या कर रहा है तू? देख लो भाई इसके काम, ये मिर्चारियों के साइड में कर ले, ठीक है ना, एक प्लेट में रख ले। हमेशा ऐसे ही करता है, खाता है ना तो कुछ भी चीज़ मिलती है तो उसको साइड में फेंक दे, ना कि भाई उसको यूँ रखता साइड में। सारा फर्स आते शूज आज निकल कर डाल दिया, फिर इसको बाद में मैं कोई बात नहीं कर दूँगी। और खाने की चीज़ भी ऐसे फेंक देगा, इतनी मुश्किल से साफ सफाई करिए पूरे घर की और ये गंद फैलाने लग रहा है। भाई आपके बच्चे भी ऐसा ही क्या करते हैं? आप सबके बच्चे भी ऐसा ही करते हैं क्या? कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई बिना बात में खाने पीने की चीज़ों को भाई ऐसे छाट छाट के फेंकते रहते हैं। ये डुगू तो फेंक रहा है ना, ये गंदी बात है ना। अरे सबके बच्चे सब तरह के होते हैं ना, मेरा पूछने का मतलब है कि भाई अभी रुक जा, मैं दूसरी बाउल दे उसमें डाल देना इसको, रुक जा। चलो भाई इसको दे देती हूँ मैं बाउल, नहीं तो ऐसे ही फेंक देगा ये, नहीं डुबो गंदगी फैल जाए बेटा भी लाइक। चलो भाई आ जाओ, बच्चों को दे दिया है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो भाई मैंने इसके अंदर डाला है सॉस, रेड वाला टमाटो वाला और ग्रीन सॉस, और थोड़ा सा मसाला डाला है इसके अंदर, थोड़ा सा नमक इससे, और थोड़ी सी आलू की चाट भी रखी थी वो डाली है। इससे थोड़े से और ज़्यादा चटपटे हो गए हैं और खाने में गाई जी इतने यम्मी लगते हैं बहुत ज़्यादा, और मुँह में ऐसा पानी आ जाए देख कर ना, ज़बरदस्त। और भाई जिसने खाना है आ जाओ, कभी आप अपने घर पर ट्राई ज़रूर करना भाई, कुछ चटपटी चीज़ खाने का मन करे ना, तो कोई भी नमकीन हो, खासकर भाई मेरे को चने वाली दाल ज़्यादा पसंद है, और कोई भी नमकीन हो उसको इस टाइप से भाई चिप्स कुरकुरे जो होते हैं ना उसके अंदर भी भाई मैं ऐसी सारी चीज़ें काट के और सॉस ये डाल के खाए ना तो इतना यम्मी लगता बहुत ज़्यादा, आप कभी ट्राई ज़रूर करके देखना। जैसे भेलपूरी होती है ना उस टाइप में भाई, उसका थोड़ा सा अलग टेस्ट हो, इनका अलग, हर चीज़ का भी अलग अलग टेस्ट हो है, पर बहुत ही यम्मी टेस्ट है, आप कभी ट्राई करके जरूर करके देखना। अगर आपने हमारा ब्लॉग बढ़िया लगा ना तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगली ब्लॉग का वेट करना और फुल सपोर्ट करना। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय। अभी हम जा रहे हैं ट्यूशन और आज का मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त हो रखा है, कभी बारिश आ रही है और कभी रुक रही है, तो मज़ेदार सा मौसम हो रहा है। और अभी दीक्षा को छोड़ के आ रही ट्यूशन और डुकू को छोड़ आई हूँ। आज भाई बहुत मज़ेदार मौसम हो रहा है, जिसने मैं कुछ भाई पकौड़े समोसे खाने का रहा है, और दीखा कि शाम में कुछ ऐसा बनावाएंगे। और बाहर का मौसम देखो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा, और सब कुछ हरा हरा हो रहा है, हरियाली, क्योंकि बारिश आवा है ना जब सावन के टाइम में, सब कुछ हरा हरा और चारों तरफ पानी है पानी, बस बिल्कुल इतना मज़ेदार, पशु पक्षी सब के लिए भाई रात भरा मौसम है ये। देखो कितना हरा भरा हो रहा है सारे का, सारे देखो कैसे है ना, और अभी कई दिन से शिक्षा बाइक नहीं लेके आ पा रही है, क्योंकि तो पहले कुछ जाया करती छुट्टी थी तो भाई अपना बाइक निकाल लिया करती, अब स्कूल से आ हुआ है तो पहले लेट होया हुआ है, तो भाई मैं स्कूटी पे छोड़ आऊँ हूँ इसने, और स्कूटी से ही लेके आऊँ हूँ, तो देखेंगे बाइक भी लेकर आया करेगी थोड़ी ना, तो प्रैक्टिस छूट जाएगी, और पैदल भी आना चाहिए, पर पैदल भाई हम कतिया डे टाइम निकला, हाँ वो हुआ कि तो दिखा रहा सब उधर को आना पड़ेगा, तो उधर रास्ता ही बंद है, और पैदल आवा ना तो थोड़ा 5-7 मिनट ज़्यादा लग जाए। आज मौसम बढ़िया था वैसे, पैदल आ जाते कोई दिक्कत नहीं थी, पर बस ऐसे ही नहीं आए, और वहाँ रास्ता बंद है भाई, जिधर से दिक्कत आएगी तो 2 मिनट और ज़्यादा लग जाएगी, तो इस वजह से भाई अपने घुमा कर जब जाऊँ, हाँ हाथ भी टूट गया मेरा, बड़का का काम करते हैं देख ले। किधर चढ़ाई पर छुट्टी चलाने में मैं एक बार बस गाड़ी नहीं आई, मैंने गाड़ी भी पापा आएंगे सब सीखे, हाँ तेरे पापा इसे ही के जान हो रहे हैं, जब तेरे पापा बिना मेरी गाड़ी भी नहीं सीखी जाती। हेलो गाइस, भाई आज दादी आ रखी है भाई, मारी है माँ के लिए बनाई है हमने एक रील से, और उसने फुल सपोर्ट कराया करो, माँ भी भाई के लिए मारी रील्स पूरी देखा करो, और लाइक शेयर और नए चैनल को तो सब्सक्राइब कर दिया करो, और ब्लॉग ने पूरा सपोर्ट कराया करो ना माँ, कह दे भाई राम राम सारे भाई राम राम सारे अरे।
हमारी वीडियो देखा करो, हमारी वीडियो देखा करो भाई, खूब करया करो सुथरे त्रिया। पूरे डॉक्टरी का काम कर रहा है भाई, जिसने तेरे अपनी करंट हवाड़ी हो वाजी हो बता दियो, मतलब टूटी छाड़ी है टूटी और मौके पर लग रहा है अब है मेरे वाह कवते कांटी उसकी कर वो कर देना दीक्षा फोन कर कांटी ना बुला ले बुला ले।